गुड मॉर्निंग क्लास 10th, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिर से अपना वही पुराना टॉपिक लेंस को उठाएंगे। लेंस की ही बात कर रहे थे, लेंस को ही उठाएंगे, ठीक है। आज हम लोग को मेनली जो बात करना है वो गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी की बात करनी है कि हम किस तरह चिन्ह मानते हैं। जैसा हम लोग इसके पहले कुछ पहले के लेक्चर्स में देखा था, जब दर्पण की हम बात कर रहे थे तो वहां पे भी हमने चिन्ह परिपाटी की बात की थी और यहां पे भी चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे। अब देखिए यहां पे है क्या, हम लेंस की बात कर रहे हैं तो कोई भी लेंस बना लें। हमने ये उत्तल बना लिया, आपकी इच्छा है उत्तल बनाइए, अवतल बनाइए। देखिये चिन्ह वही रहते हैं, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह वैसे ही रहते हैं, बस कुछ चीजों में परिवर्तन होता है। तो हमने यहां पे उत्तल लेंस बना लिया है, ये हमारा प्रकाशित केंद्र हो गया, ये हमारा द्वितीय फोकस, ये हमारा प्रथम फोकस। आप पता है ना कि उत्तल में जो हमारा प्रथम फोकस होता है बाद में होता है और अवतल में जो हमारा प्रथम फोकस होता है वो पहले होता है। ये चीज आप लोग को ध्यान होना चाहिए, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या क्या है, तो यहां पे हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं दोनों के लिए, एक साथ बना लेते हैं, थोड़ा और इधर बनाते हैं। अब जिससे अभी इसके बाद न्यूमेरिकल भी करना है तो न्यूमेरिकल भी हो जाए। उत्तल लेंस अवतल लेंस, ठीक है, दोनों चीज हो गया। अब सबसे पहले हम क्या रखें, हम सबसे पहले वस्तु की दूरी रखें जिसको हम किससे दिखाते हैं, यू से, वस्तु की दूरी या यू। हमने क्या लिखा सबसे पहले, वस्तु की दूरी। थोड़ा इसको बड़ा लिखेंगे ये तो आप लोग क्लियरिटी ना हो तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वस्तु की दूरी, इसके आगे यू भी लिख लेते हैं, याद रखिएगा इसका संकेत होता है यू, ठीक है। अब वस्तु हमेशा इधर ही रहेगा, आप लोग ये चीज तो जानते हैं, इसमें ये चीज बहुत कॉमन है। वस्तु हमेशा किधर रहेगा, वस्तु हमेशा हम लोग का इधर ही रहेगा। अब वस्तु इधर रहेगा तो वस्तु इधर जब रखेंगे आप लोग ये चीज जानते ही हैं, ये चीज पहले भी हम लोग ने दर्पण में भी कर लिया है, यहां पे भी इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि इसको एक हल्का सा इस तरह से एरिया बांटिए, जो भी चीज यहां से इस तरफ नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी, इस लाइन से इधर बांटी जाएंगी वो धनात्मक होंगी। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज प्रकाशित केंद्र से इधर होगी दूरी इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरफ हुई दूरी तो पॉजिटिव हो जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई, तो वस्तु हमेशा हमारा किधर रहेगी, वस्तु हमेशा इधर रहेगी, चाहे कुछ भी केस हो हमेशा वस्तु इधर रहेगी, और इधर रहेगी तो वस्तु का जो चिन्ह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या होगी बताइए, दूसरी चीज ले लें वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब वस्तु हमेशा ऊपर रहेगा, जब हम लंबाई की बात करते हैं हम यहां से यहां नापते हैं, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दो के दोनों तरफ हम क्या लेते हैं उसको, पॉजिटिव लेते हैं,
और अगर नीचे की तरफ फोर्सेस क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारा वस्तु है वो सीधा रखा है, यहां से मुख्य अक्ष है ऊपर है, और ये चीज ध्यान रखिए मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई भी चीज होगी तो उसे हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। नीचे होगी किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव वही पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है। अगला है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी तो आप लोग जानते ही हैं, फोकस दूरी। तो अब बताइए फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट पहले था वही कॉन्सेप्ट अब भी है, नहीं एक और तरीका है, इसका पहला जो बाद वाला चेहरा छिपा लीजिए, इसका जो फोकस आ रहा है, ये प्रथम फोकस की बात करें, प्रथम फोकस किधर है, प्रथम फोकस का जो इलाका है वो प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर है, प्रथम फोकस की बात करेंगे, द्वितीय फोकस की बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि लेंस में हमेशा हमारे पास दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं तो हमको दिक्कत हो सकती है, तो उस चीज में डाउटेड मत होइए, जिधर प्रथम फोकस उधर की बात करेंगे। ठीक है, अगला क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए हमारा जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में शुरुआत की जो पांच स्थितियां होती हैं उसमें क्या होती है, वास्तविक होता है कि नहीं होता है, मतलब शुरुआत की जो पांच स्थितियां होती हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। और जब वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कर लीजिए इसमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो किधर बनता है, इधर कहीं बनता है, कहां बनता है, अगर आपको याद हो तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब इधर कहीं बनता है, यहां कहीं नीचे इस तरह से, इसको लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वो इलाका किसका हो गया, वो इलाका हो गया निगेटिव का। इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और कोई भी चीज अगर उल्टी होगी मतलब इस तरह होगी, नीचे होगी, और नीचे होगी तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये चीज ध्यान है, मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो उल्टा होगा, और उल्टा है तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। बस दो पॉइंट और हैं यहां पे, आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए आप ध्यान दीजिए इसमें कि उत्तल लेंस में हमारे पास दो के दोनों तरह की प्रतिबिंब बनती है, वास्तविक भी बनती है और आभासी भी बनती है। तो आभासी जो बनती है वो किधर बनती है, आभासी इधर कहीं बनती है, और इधर कहीं बनेगी तो कौन सा इलाका हो जाएगा, पॉजिटिव। और ऊंचाई उसकी कैसी होगी, आप भी जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई ये कैसा हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव, ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कुल मिला के हमें यहां पर कितनी चीजें मिली, सात चीजें मिली, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम तुरंत किस में चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे अवतल में। देखिए चिन्ह परिपाटी वही है, कुछ ज्यादा चेंज
थोड़ा सा चेंज हुआ है और लाइट भी चली गई है। तो लाइट फिर से वापस आ गई और फिर कट जाएगी। आजकल लाइट की बड़ी दिक्कत चल रही है। अब देखिए हमने उत्तल की बात कंप्लीट कर ली थी, आज आप हम लोग किस पे, अवतल पे। अवतल में तो पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं कभी अच्छा बनाता नहीं हूं। चलिए अब सही है, प्रकाशिक केंद्र हो गया ये हमारा, इधर हमारा प्रथम फोकस हो गया, इधर हमारा द्वितीय फोकस। ध्यान दीजिए प्रथम फोकस का आपको जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम फोकस का ही फोकस को हम, फोकस दूरी को ही हम यूज करते हैं। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहला क्या है, वस्तु की दूरी। ये सभी आप लोग जानते हैं, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वस्तु हमेशा इधर रहेगा और जो भी चीज प्रकाशिक केंद्र के इधर होगी उसका चिन्ह क्या होगा हमारे पास, सदैव कैसा होगा, निगेटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई, अब वस्तु ऐसे ही रखा जाएगा तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा ऊपर ही रहेगी, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव ऊपर। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के कहां है, ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जब भी वो रहेगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, मुख्य अक्ष के नीचे है तो निगेटिव होगा। इस चीज को एकदम आप लोग कॉमनली ध्यान रखिए, हमेशा मन में इस चीज को बैठा लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है देखते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए फोकस कौन सा, प्रथम फोकस। प्रथम फोकस किधर है, इस तरफ है, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब, तो आप लोग जानते हैं इसमें कुल मिला के दो स्थितियां बनी थी, एक स्थिति अनंत पे, टोटल है तो छह स्थिति, लेकिन बनी कितनी थी, बनी दो थी, क्योंकि अनंत के बाद अनंत से और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जितनी स्थितियां थी, पांच स्थितियां, पांच के पांचों के लिए प्रतिबिंब, लगभग प्रतिबिंब का आरेख जो था लगभग एक ही तरह बन रहा था, किरण आरेख जो था वस्तु का प्रतिबिंब का वो एक ही तरह बन रहा था, तो उसको हम एक स्थिति काउंट कर लिए, तो कुल मिला कितनी स्थितियां थी यहां पे, दो स्थितियां। और दो के दोनों स्थितियों की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना था, प्रतिबिंब हमारा आभासी बना था, आभासी बना था, इसको लिख देते हैं वस्तु और इसको लिख देते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। क्लियर है बात, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो था हमारा, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, इसमें तो होगा ही नहीं, तो इसमें हम लिख देंगे लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वो चीज होगी नहीं, और जब वो चीज होगी नहीं तो उसको हम क्या लिखेंगे, लागू नहीं। ठीक है, इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा ही नहीं तो ये भी लागू नहीं होगा। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, इसमें दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी प्रतिबिंब की यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, निगेटिव में कि पॉजिटिव में, बोलिए, ये चीज तो दिक्कत हो जाएगी फिर, हमने कुछ लगता है हमने गलती कर दिया है। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग। इधर वास्तविक प्रतिबिंब बनता था उत्तल में, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, एक मिनट फिर से ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं फिर से। वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता था, उल्टा बनता था, तो प्लस और जो बना वो वास्तविक प्रतिबिंब उधर बना और नीचे बना, मतलब निगेटिव। आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है, आभासी प्रतिबिंब इधर बना पॉजिटिव, और उसका चिन्ह क्या होगा, उसकी ऊंचाई ऊपर है, आभासी प्रतिबिंब तो पॉजिटिव, आभासी प्रतिबिंब निगेटिव। हाँ चलिए इसको एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। बस प्रतिबिंब की दूरी में, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की दूरी में, देखिए
वास्तविक प्रतिबिंब जो उत्तल पे बनेगा वो इधर बनेगा, इधर बनेगा तो प्रकाशित केंद्र से इधर जब घूम जाएंगे तो इसको क्या मानते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव। हमने गलती से इसको क्या कर दिया था, हमने इसको निगेटिव कर दिया था, गलती से लगाना भूल गए थे, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब का स्कीम बता देते हैं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब इधर बनेगा, इलाका ये किसका है निगेटिव का है, तो हमने लगा दिया निगेटिव। और ऊपर बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर, तो मुख्य अक्ष के जब भी ऊपर बनेगा उसे हम किसमें लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो माइनस। क्लियर है बात, फिर से एक बार जल्दी से ब्रीफली बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, दोनों लेंस को हमने बना लिया है, पूरी उनकी जितनी जानकारी थी चिन्ह परिपाटी का हमने लिख लिया है। सबसे पहला है वस्तु की दूरी, तो वस्तु को हम सदैव इसी तरफ रखेंगे दोनों लेंसों में, तो और जब भी कोई चीज इधर रहती है तो इसे हम कौन से चिन्ह से लगाते हैं निगेटिव में लगाते हैं, इधर कोई चीज होती है तो उसे हम किस में लगाते हैं पॉजिटिव में लगाते हैं। कोई भी चीज मुख्य अक्ष के ऊपर नापे लंबाई या ऊंचाई, उसको आप जो बोलना चाहिए बोलिए, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे है तो निगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए वस्तु की ऊंचाई और दूरी की बात हो गई, वस्तु हमेशा इधर ही रहेगा तो ये इलाका निगेटिव का रहेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा है हमारा फोकस दूरी। अब देखिए जो हमारा उत्तल लेंस होता है प्रथम फोकस पे हम जो दूरी निकालेंगे या दूरी का जो चिन्ह होगा या साइन होगा वो हम प्रथम फोकस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो उत्तल लेंस में बाद में होता है और अवतल लेंस में पहले होता है। उत्तल लेंस में इस साइड होता है तो ये इलाका किसका हो गया बताइए, ये पॉजिटिव का इलाका हो गया, तो इसकी फोकस दूरी किसमें है पॉजिटिव में है, और इसका प्रथम फोकस इधर है मतलब प्रकाशित केंद्र के पहले, तो प्रकाशित केंद्र के पहले है तो ये किसका इलाका है निगेटिव का इलाका है। उसके बाद वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की बात, तो इसके लिए हमने आपको टोटल मिला के 8 स्थितियां हैं, 6 हमारी उत्तल पे है और 2 हमारी अवतल पे है, तो ये स्थितियां आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो शुरुआत की जो 5 स्थितियां थी वो वास्तविक थी, तो इसमें वास्तविक भी होगा और आभासी भी होगा, और इसमें केवल 2 स्थितियां थी और 2 को दोनों आभासी थे तो इसमें केवल आभासी होगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब इधर कहां बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा तो ये इलाका किसका है पॉजिटिव का है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे रहेगा मुख्य अक्ष के नीचे रखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे निगेटिव बोलेंगे। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशित केंद्र के पहले बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशित केंद्र के पहले बनेगा और पहले बनेगा तो किसमें आएगा निगेटिव में आएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो किसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा। बोलिए आई बात समझ में। तो ये जो था हमारा चिन्ह परिपाटी का ही पूरा काम था। अब इसको हम जल्दी से सफा करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके पहले एक सूत्र हम लिख लें, जैसे आप लोगों का दर्पण सूत्र आपको याद है उसी तरह लेंस सूत्र भी होता है, इसको हम लेंस सूत्र भी कह सकते हैं या फिर यू वी और एफ के बीच में संबंध के नाम से भी जान सकते हैं। क्या होता है हमारा सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ध्यान दीजिए एकदम दर्पण सूत्र की तरह है, दर्पण सूत्र हमारा क्या होता था 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यहां पे क्या हुआ बस माइनस 1/u कर दिया गया तो बाकी कोई चेंज नहीं है। तो इस लेंस सूत्र को नोट कर लीजिए, अगला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो यही लेंस सूत्र पे आधारित होगा, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए हमने आपके सामने छोटा सा न्यूमेरिकल, टिड्डी सा न्यूमेरिकल दे दिया है, आसान सा है, क्या है, यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, एक उत्तल लेंस है उसके सामने जो वस्तु है उसकी दूरी दे दी गई है और प्रतिबिंब है उसकी दूरी भी दे दी गई है, उसकी हमको क्या ज्ञात करनी है फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्लियर है बात,
चलिए अब इसको आप लोग कैसे करेंगे सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। बिना सोचे अगर आपको लगता है कि हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। हाँ एक चीज और कर लीजिए, प्रतिबिंब को आभासी कर लीजिए। अभी देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो उत्तल लेंस है उस पर दो तरह की प्रतिबिंब बनती है, वास्तविक भी और आभासी भी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह तो बदलेगा ना, तो इसीलिए हमने अभी के लिए क्या मान लिया, आभासी मान लिया। चलिए करना शुरू करें, आप लोग पॉज करके करने की कोशिश कर लीजिएगा। क्या क्या दिया गया है देखिए, सबसे पहले दिया गया है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमको कितनी दी है भैया, 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। अगली चीज क्या है, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे हमारा मेन काम चालू होगा। एक और चीज लिख लेते हैं, फोकस दूरी, F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी का यूज करें। वस्तु की दूरी हमारे पास कितना दे दिया गया है, वस्तु की दूरी जो होगी, अब आते हैं हम उत्तल लेंस वाले में, वस्तु की दूरी हमेशा किसमें रहेगी, निगेटिव में, तो यहां पे निगेटिव लगाइए। प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए प्रतिबिंब कौन सी है, प्रतिबिंब आभासी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा किसमें होगी, निगेटिव में, तो उसको भी किसमें लगा दें, निगेटिव। अब इसके बाद लेंस सूत्र द्वारा, क्या था लेंस सूत्र बताइए, हम आप लोग को देखिए नकल करवा रहे हैं, बताइए जल्दी से। ठीक है, जो भी मान है उसको रख दें, हमारे पास कम स्पेस है तो हम इतने में पूरा कर डालेंगे। 1/v, v का मान कितना था, 20, माइनस 20 था तो माइनस ऊपर आ गया, 20 नीचे, माइनस 10, माइनस माइनस करके क्या हो गया, प्लस 1/10, लासा ये कितना आ गया, 20, 20 ने 20 को काट दिया, एक बचा माइनस 1, यहां पे क्या जाएगा, बोलिए इतनी बात क्लियर है, इसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, क्या आ गया मान, 1/f बराबर कितना, 1/f बराबर आ जाएगा 1/20, तो f कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा हेडेक वाली चीज नहीं थी, इसको आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहिए तो आसानी से इसको इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की चीज इसमें नहीं है। अब देखिए हम क्वेश्चन को ही थोड़ा सा बदलेंगे, हम क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देंगे, हम यहां से कैलकुलेशन पूरा मिटा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन को यहां पे प्रतिबिंब को हम कर दे रहे हैं, अभी तक प्रतिबिंब कैसा था, आभासी था, अब हम इसको कर देते हैं वास्तविक, चेंज हो गया, प्रतिबिंब हमारा कैसा हो गया, वास्तविक हो गया, वाह पूरा क्वेश्चन ही बदल गया। अब आपको लगेगा नहीं बदला, देखिए पहले में जो हमारा प्रतिबिंब था, प्रति जो लिखा उसको प्रतिबिंब बोलिएगा, प्रति नहीं बोलिएगा, पहले जो हमारा प्रतिबिंब था वो कैसा था, आभासी था, अब कैसा है, वास्तविक है। तो क्या अंतर आता है देखें, थोड़ा करके देखते हैं, बाकी चीजें हमने उसी तरह लिखी रह दी है,
सबसे पहले देखिए वस्तु की दूरी दी गई, तो वस्तु की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, अभी चिन्ह नहीं लगा, पहले जो मान दिया गया वही लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, फोकस हमको निकालना है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, इतना चीज क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम एक और चीज करेंगे, हमको कहा जा रहा है अब चिन्ह लगाना है, तो वस्तु की दूरी उत्तल लेंस हल्का सा यहां रफ में बना लेते हैं, उत्तल लेंस हमेशा यही रहेगा, वस्तु हमेशा इधर रहेगी, वस्तु हमेशा इधर रहेगी। वास्तविक प्रतिबिंब हर की बात सोच लीजिए, थोड़ा इसको सोचना पड़ेगा आपको, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है, आभासी यहां बनता है। ये आप जब वो आठ स्थितियां लेंस की प्रॉपरली समझ लेंगे, समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, जब वो आठ स्थितियां आप समझ लोगे तब इस चीज का काम हो पाएगा, न्यूमेरिकल आप बना लोगे बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पे वस्तु की दूरी हमारी किस में आ जाएगी? निगेटिव में। देखिए वस्तु की दूरी तो हमेशा निगेटिव में है, और वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, अब आप चाहे इसको देखिए चाहे इसको देखिए, दोनों से आपका काम चल जाएगा। इससे कैसे काम चलेगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा, ये इलाका किसका है? पॉजिटिव का। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, इस चीज को खुद बना के भी काम कर लेना है। फिर लेंस सूत्र लगाएं, 1/f बराबर 1/v - 1/u। मान रख दें v का मान कितना है, v का मान है -20, u का मान कितना है, u का मान है -10, माइनस ऊपर आ गया 10, इसको सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 10 इधर 20, लासा कितना आया हमारा, लासा हमारा आ गया 20, इधर से आया 2 इधर से आया 1, तो कितना हो गया 3/20। इसको पलट दें तो एफ का मान हमारा कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में मैं सेंटीमीटर लगाना भूल गया था, आप इस गलती को मत दोहराइएगा, इसको कर लीजिएगा। हो गया, हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, बस प्रतिबिंब के जो प्रतिबिंब जो था प्रतिबिंब का प्रकार बदल के वास्तविक और आभासी करके। तो देखिए अगर आपको ध्यान हो तो पिछला वाला जो हमारा क्वेश्चन हुआ था उसमें फोकस कितना आया था, 20 सेंटीमीटर आया था, और इसमें क्या आया है 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चा लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा प्लस माइनस मिस करने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आते हैं न्यूमेरिकल जो मेनली आते हैं वो 7 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली 7 में आते हैं। होता क्या है कि इनके साथ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जोड़ देते हैं और ये न्यूमेरिकल खुद रहते हैं। अगर आप इतना भी कर दोगे, उसको तो करना ही करना है, अगर आप इतना भी कर दोगे तो 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। हाँ, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतने अगर इजी क्वेश्चंस आए तो 2 नंबर मिल गया, 2 ही नंबर में आएंगे, उससे ज्यादा में नहीं आएंगे। थोड़ा इसमें इधर उधर करना पड़ेगा, अभी ऊंचाई की बात करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे क्षमता की बात करना कर सकते हैं, मतलब लेंथ में तो अभी एक चीज और आएगी आगे क्षमता चल के, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम लोग आवर्धन की बात करेंगे और क्षमता की बात करेंगे, और फिर उसी का क्वेश्चन लगा के 2 लेक्चर्स और मान के चलते हैं हम लोग अभी, कि 2 लेक्चर्स और बनेंगे, एक में क्षमता और आवर्धन की बात करेंगे और एक में थोड़े स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स लगा के हम लोग अपने इस चैप्टर को क्या करेंगे, जय श्री राम करके फिनिश कर देंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम आप लोग से इजाजत चाहेंगे, थैंक यू चाहेंगे, थैंक यू आप लोग अभी तक पढ़ लीजिए, नहीं तो आधे ज्यादा 10 मिनट देख के बंद कर देते हैं। चलिए, थैंक यू।